अडानी इंटरप्राइजेस शेयर को। अडानी ग्रुप का एक शेयर पकड़ते हैं जरा, अडानी एंटरप्राइजेस लेके आइए तो स्क्रीन पर जरा। धोनी एक बार आप जरा चेक करेंगे, डेली चार्ट पर एक एवरेज को ब्रेक कर रहा है, 200 दिनों की एवरेज। ये अच्छी बात नहीं होती, ये इन्वेस्टर एवरेज है, ये दोनों इसको ब्रेक कर रहा है, ये कोई कंसर्न तो नहीं है? बिल्कुल डिम्पी जी, काफी यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें यहाँ पे, तो स्टॉक ने जो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन की कैंडल बनाई थी 14 जून के पास, और वहां से कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एक डाउनवर्ड एक्शन ही देखने को मिला है। पहले शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का नेगेटिव क्रॉसओवर आया, और उसके बाद अब स्टॉक यहाँ पे अपनी 200 EMA को भी टेस्ट कर रहा है। और ओवरऑल इसके अंदर डेरिवेटिव डेटा को भी देखते हैं, तो डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये 200 EMA को आसानी से नीचे की तरफ ब्रेक कर लेगा। इम्पोर्टेंट लेवल इसके अंदर जो रहेगा अदानी में ध्यान रखने के लिए, तो 2835 से लेके 2800 तक के लेवल है, उनको खास करके ध्यान में रखें। यहाँ पे अगर ये लेवल्स भी फर्दर ब्रेक होते हैं, तो स्टॉक में वापस जो एक गिरावट हमने देखी थी वो गहराती हुई दिखेगी। बट करंट लेवल से भी ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक ही बनता हुआ है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आप इसके अंदर रख सकते हैं 3060 का। ये लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करता, यहाँ पे जो नेगेटिव साइड का एक्शन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और नीचे की तरफ के लेवल्स जैसे कि मैंने आपको बताया 2850 2800 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक काफी वीक लग रहा है। एक चीज के लिए मैं आपको थोड़ा थैंक यू करूंगा, और सिर्फ मैंने ही नोटिस नहीं किया बल्कि मेरी सहयोगी सृष्टि ने भी नोटिस किया कि आप बहुत ही स्वीट तरीके से बोलते हैं, जी डिम्पी जी, जी डिम्पी जी। तो ये आपका जो स्टाइल है ना बोलने का, ये बहुत ही अच्छा है, थैंक यू वेरी मच।